स्टूडेंट्स, दोस्तों, बुरे वक्त में जैसे जब भी किसी को कोई जानलेवा बीमारी होती है ना, तो बंदा क्या बोलता है, शिट यार, वाई मी? अवर एक्सट्रीमली डियरेस्ट फ्रेंड जतिन कुकरेजा मस्ट हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन सेवरल टाइम्स. जतिन, आज हम सब लोगों के बीच नहीं रहेगा. रहे, आज हम सब बैचलर लोग सारे उसी के लिए यहां इकट्ठा हुए, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने अपने बिजनेस पार्टनर की बेटी तमन्ना के साथ उसकी शादी तय कर दी है. क्या बर्बादी, सबका काटे कट्टा, दुल्हन पहने मंगलसूत्र और दूल्हा पहने पैसा. यार रोहन, जिंदगी खत्म होने से पहले बंदे को एक आखिरी उजाला दिखाना तो बनता है. बनता नहीं बनता उजाला नहीं कुत्ते. तेरे लिए भाई. अरे मेरा तो है. ये वो पीछे वाली कौन है यार? Can I have a drink, please? Guys, if you behave, I will intro both of you. क्या बात कर रहे हैं? मैं इससे फ्लाइट में मिला था. मैंने इनवाइट किया. ओए, मैं तू उसको क्यों इंट्रो करवाएगा भाई? अबे it's me, it's a woman, man. रोहन मेरे भाई, मिल पाते प्लीज? रोहन मेरी जान, तेरी लाख कोशिशों के बावजूद ना, हमारा हैरी पॉटर वर्जिन. हाँ, वर्जिन है और वर्जिन ही रहेगा. ऐसे कर जा, ट्राई कर. If you are ready to be a bride, nice try. Thank you. Myself, Harry. Whiskey. Cheers. Cheers. Let's dance. Thanks for coming. Chale. You do a piye gana.
बाय। गुड मॉर्निंग गुगू। गुड मॉर्निंग बेबो। अभी तुम सो रहे हो, कितनी देर से पार्टी कर रहे हो? हेलो व्हाट्स रॉन्ग? हाँ वो मैं क्या, हाँ यार ये बॉयज इतना गन मचा के गए हैं ना रात को, तो वही वही। सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। हाँ हाँ सी यू इन टेन। क्या गुड मॉर्निंग। प्लीज यार मगर यहाँ से जाओ, भागो। यू ट्रीट ऑल योर गर्ल्स लाइक दिस? मेरी गर्लफ्रेंड आ रही है। गर्लफ्रेंड? नॉटी बॉय। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी होने वाली बीवी। प्लीज। अच्छा दो दो कैसे संभाल लेते हो? डैम इट शी इज माय फियांसे। प्लीज भागो। तो तुम ग्रूम हो? मुझे लगा वो टर्बन वाला। उसका कुछ नहीं हो सकता, प्लीज 10 मिनट में वो यहाँ आने वाली है, प्लीज जाओ ना। मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुम्हारे कपड़े अब ऐसा करो, ये लो ये पहनो। और मेरी ब्रा कहाँ है? मैं कुरियर करा दूंगा, ठीक है? प्लीज जाओ ना, प्लीज पहनो, चलो वहां से निकलो, निकलो निकलो यहाँ से। What? You guys scored drugs last night? No, no, Abba. Pool score, pool score. Ouch! Damn, Siggy. Oh my God! What a mess! Party, Didi. कोई कीर्तन नहीं था। तुम्हारी प्रीतमपुरा की पार्टीज में ऐसा होता होगा। आपने बड़ी अटेंड करी थी हमारी प्रीतमपुरा की पार्टी। हाँ जतिन कम से कम हमारे बेडरूम को तो छोड़ देते। यही तो लगा था जी, पूल टेबल। शट अप हैरी, शट अप। डोंट वरी बेबो, तुम्हारी शादी के बाद ना। तुम्हारी शादी? हमारी शादी के बाद इन कुत्तों को इस बेडरूम में क्या, घर के गेट में भी नहीं घुसने दूंगा। ओके अब एक किसी ले लू बेबो। Yuck! Jatin, go and brush first. Oh, okay. Idiot. Jatin! 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 Oh. What the hell is this? Bra? Oh, thank you for the information. किसका है बताने की तकलीफ करोगे? किसका है जतिन? हैरी इनफ इज इनफ यार, पता नहीं पीने के बाद तो किस किस को घर जाता। अब देख भाभी नाराज हो गई है, ये पकड़ अपनी। ये तो रात को हैरी तेरा यार, तेरा है। सॉरी तमन्ना, सॉरी वी यू नो हिम। वो ही ढूंढ रहा था, पिंक माय फेवरेट कलर। चल 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 गुगु, I don't mind Rohan, but this Pitampura guy, I just can't stand him. I know. थोड़ा desperate type का है। You know वो ऐसा ही है, हम ऐसे करते हैं, lunch पे मिलते हैं, फिर बात करते हैं। मेरे को आजकल गुस्सा बहुत करने लगी हो तुम। हो क्या क्या है? गुगु, शादी के बाद ये सब नहीं। हाँ हाँ, don't worry हाँ, तुम अपना ध्यान रखो। I'll see you for lunch. Sure sure, love यार। रोहन हमारा एक दोस्त हुआ करता था। हाँ यार सॉरी सॉरी, यही था रात को है ना? हाँ यहाँ सोया था रात। कहाँ गया होगा पता नहीं। अबे क्या ढूंढ रहे हो? अरे यार वो मैडम वॉक पे ले गई होंगी।
आई थिंक जैसे था. क्या था उसका नाम? ना ना, के एल एम एन ओ पी, इनमें से कोई होगा. तू बोल. दोस्त तो तेरी दी. दोस्त कहाँ थी यार? आई जस्ट मेट ऑन द प्लेन. इस कुत्ते को तो नाम पूछना था. वैसे इस बार आई रिमेम्बर, आई थिंक एन सही था. कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? स्कोर तो कर लिया ना भाई ने. शादी अगले महीने है और भाई हमारा खुला सांड बन के घूम रहा है. खुला सांड क्या कर रहा है यार? हट यार. वैसे तूने ये सोचा है कि मैडम को पता चलेगा तो क्या होगा? प्लीज उसे कुछ नहीं पता चलना चाहिए यार. आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट हर. प्लीज यार, प्लीज. हर्ट तो तू कर चुका है भाई, मुझको, पीपो को, और इसको जिसका किसी को नाम तक नहीं पता. अच्छा खासा चांस था मेरा. एक बार अपने भाई के बारे में नहीं सोचा? अबे बच गया तू. तू वो हॉस्टल वाली फिल्म भूल गया? गरम ने पलन. फनी इज डेंजरस. वैसे डेंजरस से याद आया, प्रोटेक्शन वगैरह यूज किया था ना तूने? मुझे कुछ याद नहीं कि कल रात हमारे बीच में कुछ हुआ या नहीं हुआ. याद नहीं है. कहीं 9 महीने बाद अक्षय कुमार की ही बीबी वाली फिल्म ना बन जाए. इस बच्चे का बाप कौन 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 कौन? मजाक की बात नहीं है यार, इट्स अ सीरियस मैटर. मैडम बजा रही है गुगू. उठा ले, उठा ले. टैमी, वॉज द पॉइंट अभी सलोन आने का? प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि अच्छे ना दिखे. फिर भी सी हनी, पहले वेडिंग अटेंड करेंगे, फिर प्रोजेक्ट वर्क, एंड देन इफ देयर्स टाइम मेरा और गुगू का थोड़ा सा साइट सीइंग. गुगू हाय तमन्ना. सो शॉपिंग हो गई ना? यस. यू लुक नाइस. बड़ी अच्छी लग रही रास्ता तमन्ना. वो गजाली का नाम क्या था? हु? मैं तेरी दोस्त, वो एंगेजमेंट में आई थी, वो पिंक सूट पहना था, गोटे वाला बॉर्डर, बड़ी बड़ी आंखें, रेबेन का चश्मा, क्या टशन था यार. And they call me gay. Oh, cut the crap. Her name is Ghazala Khan, and she's way out of your league. So please, don't even think about it. Thinking तो हो गई. Gugu, did you get that Armani suit? Yes. Armani suit? Armani suit क्या करेगा? Road trip पे. आप. क्यों? जतिन ने बताया नहीं तुम्हें? क्या? क्या नहीं बताया जतिन? ओके, यू ऑल आर इनवाइटेड, इवन यू हरविंदर. थैंक यू जी. मेरी कजिन की शादी है. शादी? सो यू ऑल विल बी स्पेंडिंग अ नाइट इन मनाली. इट्स अ बिग फैट वेडिंग. नॉट डन ब्रो. ये लद्दाख का रोड ट्रिप हम तीनों के बीच में था. अब ये कब बताने वाला था तू? नहीं वो मैं ना, इम्पॉसिबल है जी. हरविंदर, तेरी गजली भी आ रही है. एक दिन का ब्रेक तो बनता है. नहीं यार, बट थक गए होंगे यार, कितनी ड्राइविंग करेंगे यार. एक रात की तो बात है यार, एक रात की तो बात है. आएंगे जी तपना जी, आएंगे सब आएंगे जी. वो क्या कहते हैं आपकी वो बिग फैट वेडिंग में? हाँ आएंगे आएंगे. थ्री थर्टी पहुंचोगे वहां, सो फ्रेशन अप. 4 बजे संगीत है तो तुम अरमानी वाला सूट पहन कर आओगे, और 8 बजे हम क्विकली चेंज करेंगे. जरी वाली शेरवानी, वो मैंने ऊपर ऊपर ही रखी है. ओके गुगू. बेबो, तुम्हारी कजन की शादी के लिए इतनी बड़ी एक्सेल शीट, तो मतलब हमारी शादी में तो पूरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बन जाएगी, राइट? ऑफकोर्स, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनेगा. मेरी शादी है, तमन्ना सिंह की शादी, दुनिया को पता तो चले, अ परफेक्ट वेडिंग.
शादी हम दोनों के बीच में है ना, इसमें लोगों का क्या लेना देना। माई गॉड, पता नहीं आज क्यों मेरे साथ सब वियर्ड बिहेव कर रहे हैं। मैंने क्या कर दिया? इतने दिनों से हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं, इतनी सारी शॉपिंग कर ली है, वेडिंग प्लानर को बुला लिया है, और अब तुम कह रहे हो कि शादी सिर्फ हम दोनों के बीच में है। ओके, आई एम सॉरी बेबो। गुगू, जिंदगी में एक ही बार शादी होती है ना, और तुम्हें तो पता है मैं शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड हूं। आई नो गुगू कि इट्स ऑल अबाउट लव एंड ट्रस्ट, इसीलिए तो हम शादी कर रहे हैं ना, बिकॉज आई ट्रस्ट यू एंड आई लव यू। आई लव यू टू। वेरी बैड। जी क्या हो गया? क्या हुआ? ही आई सॉ हर यार। कौन? दैट नाइट यार, वो एन वाली। आई एम सीरियस। ब्रा मांगने तेरे पीछे यहां तक आ गई? यार तभी तो सिंह से ले लिया करो यार। आई एम क्या हो गया? क्या हो गया? तभी तो ठीक है यार। अबे आगे मार्केट से लेके देते ना। हाँ अभी आते हैं पीछे। चल चल चल, गाड़ी पकड़ दे पिंक वाली। आ जा। बहुत ठंडा है यार। नाइस व्यू। सुनो, जल्दी जल्दी खाना खाते और निकलते हैं यार, लेट हो जाएंगे। पर रात को ट्रैवल सेफ है क्या? फॉग हो सकता है। हाँ सेफ ही होगा। पाजी। हाँ जी। आप तो इस रास्ते से वाकिफ होंगे। हाँ जी। और रात को फॉग शॉक तो नहीं होता? फॉग तो कभी कभी तो लैंडस्लाइड हो जाते हैं। फॉग की बातें कर रहे हो आप? है खुद हमें चार चार रातें ढाबों में गुजारनी पड़ती है भाई साहब। वैसे मनाली जाए जी, एक काम करो, वो मेरी गड्डी दी टेल लाइट पकड़ के सीधे सीधे चले आना है, और फोक फुक दा कोई टेंशन लेना भाई है। वैसे इधर बाकी रास्ते के लिए कोई रंगीन जुगाड़ चाहिए तो बंदा है मेरे लिए, इसके लिए है। भाई वो बियर शियर का बियर। वैसे हम तो राम भगत है जी, चाहिए मैंने तो। नहीं नहीं थैंक यू जी, मैं तो अभी मजाक कर रहा हूं। अच्छा पाजी, आगे कहीं पे पेट्रोल पंप मिलेगा? रोड पंप वो तो काफी दूर है जी, ठेका नजदीक है, ऐसे नेड़े ही है। अच्छा पाजी एक फोटो हो जाए। फोटो? एक फोटो, हाँ हमारी रोड ट्रिप के एल्बम के लिए। पाजी एक फोटो तो बनती है जी। हाँ जी। अच्छा मैं हीरो तो नहीं हूँ जी, कोई गल जी। पाजी
कुछ नहीं होगा तेरा। लेकिन यार वो ढाबे वाला बोल रहा था कि ये दुनिया का अकेला यूनी टेम्पल है, देख लेते। नहीं नहीं यार, शादी पे लेट हो जाएंगे। यार चलना, शायद मेरा काम बन जाए। चलना यार, चलना चलना, इतना भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकता तू। चल चल चल। सिर्फ तेरे लिए जा रहे हैं। अरे चलो ना। और सुन, मंदिर की सबसे स्पेशल पूजा तेरे लिए मैं करवाऊंगा। थैंक यू मेरे दोस्त। आराम से, फर्स्ट कम नहीं है। We worship Lord Shiva as Linga. And this is the only temple in the world where Yoni is worshipped. Linga and Yoni cannot do anything on their own, much like the philosophies of the world. Linga and Yoni, they are like yin and yang. Pooja hogi na acche se. Isn't this beautiful? Hey, tum yahan kya kar rahi ho? Main group romance karne aayi thi. Stupid, guide karne aayi hu. Hey, what's up? Hey, how are you? Good. No. No, no, no. Naam to nahi suna hoga na? Natasha. Natasha. Harry ji. Yaad hai. Yaad hai na? Dono se kaha tha na, tum mujhe meri baat mante hi nahi. By the way, how's your would-be wife? She's fine. Give her my love. Sorry, उस रात मैंने कुछ ज्यादा पी ली थी तो। It happens. By the way, Harry saved the next morning. क्यों? क्या हुआ? Oh, it's a very long story. मैं करवाता हूँ ना पूजा। Natasha, I'm really sorry what happened that night. Actually, मैं कभी इतना ज्यादा पीता नहीं हूँ तो। But I drink. उस रात जो कुछ भी हुआ। Why? Don't worry. You were good that night. मैं उस रात के बाद की बात कर रहा था। I don't know about you, honey, but I had fun. Come on, guys, let's go. Okay, bye. Bye, guys. See you. Don't worry. तू ना जा मेरे बादशाह, ऐसे मुझको छोड़। सुन, आसपास कोई हेल्प देखे? हाँ बताना यार। इससे तो क्या है यार, तेरी गाड़ी है तो प्लान करके पेट्रोल नहीं डाल सकता यार। तुझे कोई पेट्रोल पंप दिखा रास्ते में? कितने टेम्परेचर पे आदमी मरता है भाई। साले तू कॉकरोच है, मरेगा नहीं। पीछे रम की बोतल पड़ी है, पी ले। अरे मेरे लिए भी बना यार एक, और एक मेरे लिए भी। भगवान, मैंने आज तक कुछ नहीं किया, वो भी नहीं उठाने। तो कुत्तों को उठाओ, मुझे भी उठाना। हेलो। हाँ मम्मा। हाँ हाँ पहुंच जाऊंगी मम्मा। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है? आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। हाँ मम्मा, आई एम फाइन। मत करो ना मम्मा, इट्स माय लाइफ, आई एम गुड। बता रही
मैं लाइफ को हर रोज प्लान करके तो नहीं जी सकती ना। मामा जस्ट लेट मी कॉल यू बैक ओके या बाय। हाय बॉय। हाय। एनी प्रॉब्लम? पेट्रोल खत्म हो गया है। आगे ढाबा है, वहाँ आप लोगों को पेट्रोल मिल सकता है। ओके। वैसे आप लोग चाहे तो मैं ड्रॉप कर सकती हूँ। दैट विल बी ग्रेट। कम ऑन हेल्प मी। अंदर रखो इसको। ये गाड़ी में बांधो। आपने बता दिया नहीं ठंड में। सॉरी बाय द वे आई एम रोहन नितिन जाते हैं ना ये गाड़ी में। वैसे आप लोगों को पहाड़ों में सावधानी से चलना चाहिए। यहाँ दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं होते हैं। पर लेकिन आप तो अकेले रास्ते ये मेरा रोज का काम है। वैसे मैं इस रास्ते से आती जाती रहती हूँ। Can I help you? Sure. ठाटो भाई। ओ पाजी। ओ कौन है भाई? ओ ओ ओ की हाल है तू बनो? धात्रिया का हाल भाई है। ऐसे की हाल है का? है तू सी अच्छे हो? ओ पाजी जी थोड़ी टेल लाइट फड़ के पीछे पीछे आ गए। चंगा अब बैठ बैठ है बैठ। हाँ। राम श्याम भाई। और नहीं पाजी तुसी मारो। वो ऐसे गल ते आर्स किता है भाई। ओए राम जन्म में दूत मिला कृष्ण जन्म में की और कलयुग में दारू मिली है मैं कहता हूँ दबा के पी। मैंने अपने ट्रक के पीछे भी यही लिखवा रखा। तू जवान ये तुम्हारे लिए ओए रात जवान क्यों जवानी वेस्ट कर रहा है? वो शबाब ते शराब दा समंदर है लाला डुकी पाजी। अपने लिए तो सफेदी बढ़िया है। वो पेट्रोल शेट्रोल मिल जाए खाना शाना खाएंगे आगे बढ़ेंगे। पिछले बार का पूरा स्टॉक खत्म हो गया? नहीं दीदी कुछ लोग इस्तेमाल करने से मना करते हैं। तो तुम भी मना कर दो ये तुम्हारी अपनी जिंदगी का सवाल है। अच्छा तू काम कर तू पानी मार मैं जरा अपनी वाली निपटा के आया। सेट है। ये बंजारों का ट्रेडिशन है।
अवॉइड. हर रिलेशनशिप में स्पेस जरूरी है टैमी. वो अपने दोस्तों के साथ गया है. सच करम भी. तुम्हें कैसे पता है कि मैं उसको फोन कर रही हूँ? सबको पता है. वेरी फनी. गजली, तुम्हारे लिए एक डूड ढूंढ के रखा है. अच्छा. गुड लुकिंग, स्मार्ट, फनी. टेल 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 मी समथिंग मोर. हिज नेम इज हैरी. हैरी साउंड्स इंटरेस्टिंग. इतनी एक्साइटेड मत हो, वो हैरी पुत्तर भी हो सकता है. तुझे जरूरत पड़ेगी यार. लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह से. तू तो हमेशा मजाक करता रहता है यार. क्या कर रहा है? फोन आ रहा है यार. सब ठीक हो जाएगा. जतिन, सॉरी बेबो, वी हैड अ बिग मेस अप. ना तो फिर मेरी हर एक रिक्वेस्ट को इग्नोर करने के लिए थैंक यू वेरी मच. मैंने तुमसे सिर्फ दो चीजें बोली, एक टाइम पर पहुंचो और अरमानी वाला सूट पहनकर आना. गेस व्हाट, तुमने दोनों ही नहीं किया क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है टू मेक मी फील लाइक अ लूजर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. तमन्ना, तमन्ना, हम मरते मरते बचे हैं यार. रास्ते में बहुत प्रॉब्लम थी. हाँ, बहुत प्रॉब्लम थी. वो रास्ते पर वो दिखी. वो शट अप तुम दोनों. मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी, मुझे अपने फियांसे से बात करनी है. सो कुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस. विभो, ये सब मेरी गलती है. मैंने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी. टिपिकल, तुम हमेशा से ऐसे ही हो जाते. एक क्यूट सा बच्चा जो कभी बड़ा ही नहीं होना चाहता. एंड जस्ट पेट अप ऑल दिस. आई एम सॉरी, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा. And please, मुझ पे चिल्लाना बंद करो. I'm not a child. Jatin, you... And you are not my mom. So please. Damn you, Jatin Kukreja. मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ. I am your fiance. भाई, पूरी जिंदगी गुजारने वाली हूँ. ड्रामा चलता रहेगा. गजारा मेरा इंतजार कर रही होगी यार. You know what? तुम्हारी गलती नहीं है. तुम इस शादी में कभी इंटरेस्टेड थे ही नहीं. तुम हमारी शादी को के बीच में ला रही हो यार. उई, वो देख. भाई, वो गजारा है. तू इनको देख, मैं उसको देखता हूँ. आया 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 आया. अरे तुम लोग क्या इतने इमोशनल हो रहे हो? अब वो गाड़ी पार करके आते ना. चल आ जाते. चल चल. हाउ वाज योर ट्रिप? इनको जानती हो डिंकी? अच्छी तरह से. कैसे? मुझे तो ये भी पता है कि मिस्टर जतिन कुकरेजा अरमानी सूट पहन के आने वाले थे, लेकिन ये
सिल्क कुर्ते में लुक्स वेरी ईस्ट दिल्ली टाइप यू नो. व्हाट रबिश, बोलो कैसे जानती हो? पिछले 8 घंटों से तुमने ही तो इनके बारे में बोल बोल के मुझे पका दिया. एंड देन यू आस्किंग हाउ डू यू नो देम. तुम लोग इतने खुश मत हो, तुम लोग के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल. वो मालूम है. सॉरी रिंकी, ये जतिन है ना, ये मुझे बहुत इरिटेट करता है. और ये दोनों तो स्टॉप दिस नौटंकी. लड़के आ गए, एवरीथिंग इज ओके, जस्ट एंजॉय. कम ऑन गाइस, लेट्स गो हैव अ ड्रिंक. आई एम सॉरी माय बेबी, माय सोना, माय गोला, माय प्लीज. जतिन, जतिन स्टॉप, गेट अप, यू एम्बैरेस्ड. तमन्ना, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे फ्रेंड्स वहाँ पे वेट कर रहे हैं, और तुम इतने जोर से किस पर चिल्ला रही हो? माय फियोंसे, दिस इडियट. हाय तमन्ना, ये तीनों मुझे रास्ते में मिले थे और इनकी गाड़ी बंद पड़ी थी, और इन लोगों को मैंने ढाबे में ड्रॉप किया था. सी, आई टोल्ड यू एग्जैक्टली. सॉरी गुगू, मैं बहुत गुस्से में थी. आई एम सॉरी. चलो मैं तुम्हें अंकल से मिलवाती हूँ. हेलो जी, हैरी. ओहो, सो यू आर हैरी. जी. सो व्हाट डू यू लाइक? यू. किमी दही पेरे, किमी दबी, किमी इन्नु पुल्ल जिमी.
चल अंदर भाई। अपना हैरी एक योनि मंदिर क्या गया, बबलू हैप्पी हो गया। क्या बात कर रहा है, सीरियसली? hey, तुम्हारे पास है ना? ओए सबूत क्या? हैरी आई मीन अ कॉन्डम। आई डोंट नीड वन, मेरा कंट्रोल बहुत सही है। नो वे हैरी, मुझे क्या पता कि तुम कितने लोगों के साथ। नो 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 नो, मैं तो 100% प्योर वर्जिन हूँ जी। क्या कहते हैं वो आपके लोगों में जी, वो वन वुमन मैन। हैरी अगर ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है तो हार्डली नो यू कैन कंट्रोल ओए। जी मैंने इस पे बड़ी रिसर्च मारी है जी, ओ MSN, याहू, गूगल और डीसी बाबा भी। वही से आई मेरा कॉन्फिडेंस। हैरी नो कॉन नो फन। अच्छा तो मैं एक मिनट में आया जी। ओके, एनी प्रेफरेंस? लस्सी फ्लेवर। ऊपर आसमान नीचे तिरक मार पास। भाई लोग मना मत करना, एक कॉन्डम दे दो। भाई दोस्त है, मेडिकल स्टोर नहीं। कमीनो सुन 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 सुन, अरे सुन, तू वर्जिन था, वर्जिन है और वर्जिन ही रहेगा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं अभी आया। नहीं होनी चाहिए। अभी आया दे दो। क्या क्या अंकल, एक पैकेट। कौन सा पैकेट? कंडोम। बिटिया एक कंडोम का पैकेट देना। बेटी मम्मी कंडोम कहाँ रखे हैं? अभी दे रही हूँ। मम्मी बेटे कौन सा फ्लेवर चाहिए, स्ट्रॉबेरी बनाना मैंगो? कोई भी, दोस्त की शादी है ना वो बेचारा। सेक्स इज ए प्रेयर हनी नॉट क्राइम, सेलिब्रेटेड। आशीर्वाद। अरे बेटा पैसे तो दे जाओ। तुम गजाला का? गजाला चली गई। चली गई? उसने तो कहा था कि भेंट सुबह तक, सुबह तक भेंट। इसको क्या करूं? ऐसा कर बलून फुला ले बबलू, बर्थडे मना ले। बर्थडे माय गूगल। हेलो जयशंकी, व्हाट शंकी,
What? Shanky, stop it. Stop it, Shanky. Are, how can you say that? No, but how can you even think like that? Shanky. मैंने ऐसा कब कहा? Shanky. No, no, you listen to me. You listen to me. Shanky, it's over. It's over. No, yes, it's over. तुम मुझे deserve नहीं करते हो यार. It's over. Rohan, all well? हाँ? बोल कुछ. क्या हुआ है? Shanky था. अब I broke up with him. क्या हुआ? मैं थक चुका हूँ यार उसकी वजह से. अब सुन, मैं बात करूँ उससे? हाँ, कोई फायदा नहीं है. वो बहुत इनसिक्योर है यार. क्या कहा? हाँ, रो मत यार. तुम दोनों को लेके भी जेलस है यार. देखो, हमारी दोस्ती में डाउट है. ले, और रोहन, वो परेशानी तो हम जैसों को होती है यार. तू ऐवे ही रो जा रहा है. तेरा क्या है, लड़के तो कितने मिल जाएंगे. तू बात लड़का लड़की की नहीं है यार, बात प्यार की है. आज कमिटमेंट की है यार, बात ट्रस्ट की है. मैं तो मजाक कर रहा था ऐसी. तू सीरियस हो गया? बुरा मत माना कर तू बस. अरे ठीक है, मान जा, बस हो गया ना. अरे बाहर में जाए वो शक्की. अरे ठीक है ठीक है, मत कर. एनजीओ है गर्ल्स, होटल नहीं. सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा. और बोलने की जरूरत नहीं है. नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग इनसाइड द कैंपस. हे गाइस, हाउ आर यू? हाय सैमी. हे, अच्छा, हमारी नई वॉलंटियर तैयार? या गुड गर्ल्स, आई हैव सम पेंडिंग वर्क, लेट मी फिनिश. तुम यहाँ कैसे? तुम तो वापस मुंबई जाने वाली थी. मुंबई में बहुत गर्मी है ना. पल पल प्लान कैसे चेंज करते हैं ये कोई तुमसे सीखे. हाउ इम्पल्सिव. अच्छा लो, एक वीडो से बात कर रही हूँ और दूसरे का फोन आ रहा है. हेलो, व्हाट? लाख बोलने पर भी नहीं सुनी ना तुमने. तुम हमेशा अपने दोस्तों की ही सुनते हो. स्नो स्टॉर्म में तो मैं क्या करूँ. आई डोंट केयर, यू कम बैक राइट नाउ. सैमी, एक बार सुन तो ले वो क्या कह रहा है. मुझे समझ नहीं आता गुगू, मैं तुम्हारा क्या करूँ. For God's sake, when will you grow up? Tamanna? Hello? Hello? Anjitin? Hello? Hello? हेलो. हाँ, ये रोहतास के आसपास है कहीं पे. हेलो हाँ, हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा. हेलो, जोर से ले पकड़. हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ यार, नेटवर्क प्रॉब्लम है. जिस समय तेरी वो बिग बैड वेडिंग के चक्कर में हुआ. शट अप यू वर्जिन किंग. हे प्रभु, मुझे मत उठाना इस बार, मेरी लाइफ में घसाला है. उठाना है तू इन कुत्तों को. उठाओ. हे प्रभु, मुझे मेरे घसाला के पास वापस भेज दो प्रभु. कुत्ते ये सब तेरी घसाला की वजह से हुआ है. मेरे घसाला ने क्या किया? तेरी घसाला ने करा सब कुछ. अरे शड़ाप, मेरी शड़ाप. ये किसी एक की गलती नहीं है, तुम दोनों की गलती है. तेरी तमन्ना, तेरी घसाला फंसा दिया यहाँ पे बर्फ में. प्रभु जी, अब आप ही उद्धार करो हमारा, आप ही निकालो यहाँ से. इसकी गलती है, उसकी गलती है, सब चौधरी बनते रहते हैं यहाँ. राम दे पहले
प्रभु कोई तो बचा ना, हम यहाँ है। बर्फ में गर्म रहने का ये अच्छा तरीका है। हाँ हाय हाय मार्श, आज जतिन, दिस रोहन, हैरी। इंट्रोडक्शन करते रहोगे तो यही जम जाओगे, कार की फिक्र मत करो। वैसे आपको कैसे पता था कि हम यहाँ पे फंसे हैं? अब दीपाज लाइफ पार्टनर, अब चले। कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा? तुम्हें बस अपने दोस्तों की पड़ी है, मेरी कोई फिक्र नहीं। सर कुछ नो, ये सब उस स्टूपिड हैरी और रोहन की वजह से है। उनके साथ रहकर तुम भी वैसे ही हो गए हो, केयरलेस। बीबू इतना प्रॉमिस करता हूँ कि शादी के बाद इन दोनों को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दूंगा। तुम ठीक कहती हो, इन दोनों की वजह से बिगड़ गया हूँ मैं। हाँ और बोलो, तुमने सुननी तो उन्हीं की होती है ना। बस करो यार, अब मत करो, ये मत करो, वो मत करो। कब तक इस दोस्ती का बोझ उठाएगा जतिन? अबे भी टीवी सीरियल की जिग-जिग तो छुटकारा मिलेगा। What the hell जतिन, तुम हंस रहे हो? Your friends are insulting me और तुम चुप हो? बीबो तुम लाइफ के हर एपिसोड में इतना ड्रामा क्यों डाल देती हो? कुछ हुआ है मुझे? नहीं हुआ ना, so just relax। ओए कुकरेजा साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि स्नो में मरना इससे बेटर होता है? Shut up, Dinky। तमन्ना, ये लड़के अभी वापस आए हैं थके हुए, इनको गेस्ट हाउस जाके खाने दो, आराम करने दो, बाकी की डांट कल सुबह ब्रेकफास्ट के साथ खिला देना। I was genuinely worried, Gugu। कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं तमन्ना, इनको अभी गेस्ट हाउस जाने दो। जाओ। यार ये रिश्तों का मिजाज ही कुछ अजीब होता है। कौन सा रिश्ता, किसका रिश्ता, कैसा रिश्ता, कहाँ का रिश्ता, कब का रिश्ता? ये हमारा मिस्टर गुग्गू और तमन्ना मैडम। व्हाट अबाउट अस? यार बुरा मत मान, पर लेकिन ये जो तमन्ना है ना, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है यार। बड़ी? हर छोटी से छोटी चीज को बड़ा बना देती है। आई नो, मुझे बच्चा बच्चा बोलती है, लेकिन असलियत में तो खुद बच्ची है। पता नहीं का अजीब सी इमेजिनरी फैंटेसी वर्ल्ड में जीती है यार, और तू भी उसमें शामिल है। यार आई नो कि वो कैसी है, एक सिंगल चाइल्ड जिसके डैड ने उसे बुरी तरह स्पॉइल कर रखा है। तमन्ना की हर तमन्ना पूरी करी है उसके डैड ने। पर तुम दोनों भी कई चीजों में पोल्स अपार्ट हो भाई। करेक्ट, रजाई डालियो। हाँ पोल्स अपार्ट, एक सिंपल सी लड़की है पर इमोशनली कॉम्प्लेक्स है। यार मैं बात करूंगा उसे समझाऊंगा कि इवन आई नीड माय स्पेस। भाई स्पेस, गो टू नासा। पर समझा पाएगा? नताशा है ना। किस लिए? भाई को समझाने के लिए। The weather has been very unpredictable. और weather forecast के हिसाब से आप लोग हमारे 7-8 दिन के मेहमान रहने वाले हैं। सड़कें खुली भी नहीं है और स्नो बढ़ भी सकती है, जाना भी कौन चाहता है। एंड गाइज और एक बात, एनजीओ में कोई फ्री लंच नहीं होता, सो थैंक यू वॉलंटियर्स बनने के लिए। एक्चुअली थैंक्स फॉर टेकिंग अस, वी ग्लैड टू हेल्प। या वैसे आप लोगों को तो पता ही है कि हम एचआईवी एड्स अवेयरनेस पे काम करते हैं जी।
आप लोगों के हिसाब से एड्स का मतलब लाइफ खत्म? लाइफ खत्म? यस टोटली, इट्स लाइक अ डेथ सेंटेंस। यार एक एनजीओ वर्कर बता रहा था कि हर्ष मिलियनेयर था यूएस में और फिर सब छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया एनजीओ चलाने दीपा के साथ। बड़े पागल किस्म का इंसान है रे हर्ष। पागल ही है मेरा हर्ष, बट पैशनेट है। उसका मानना है कि हमें एक जिंदगी मिली है, उसे कैसे जीना चाहिए ये खुद को तय करना है। पर ये हमेशा हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है। तय खुद को करना होता है, हमने तय किया और हम एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अपने दिल से पूछो, उसकी सुनो, वो सही जवाब देगा। तुम यहाँ कैसे? अपनी बीवी की तरह इंट्रोगेशन बाद में कर, पहले ऊपर तो खींच। हाय। हेवन। लियो। कम सिट। हे, तुम यहाँ पीने आई हो? नो बेबी, तुम्हारे साथ वो रंगीन रात का एक रिप्ले करने आई हूँ। रेडी माय लव। ओए हरी पुत्र, एनजीओ है, सिगरेट दारू अलाउड नहीं, और आजकल पिए बिना नींद का आती है। कम टू डैडी। हट, पैक बना, पिए बस हो गया, चीयर्स। हिप हिप नताशा, नीट पिएगी क्या, बर्दाश्त कैसे करेगी? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? दिन तक हम पीते हैं कि यहाँ बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। नताशा, 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 शी इज गॉन यार। हेलो, ये लड़की आई इधर भयानक अल्कोहल लेके, यहाँ कुछ तो है जो ये छुपाना चाहती है। हाँ यार, इसकी हंसी में कुछ ना कुछ जरूर है, मिस्ट्री। भाई मिस मिस्ट्री को छोड़, मिस तमन्ना और मिस सस्पिशियस का सोचो। भाई हर बेवड़ा बेवड़ी बेवड़ी दारू पी के सच बोल देती है, अगर इसने सच बोल दिया तो तेरी तो सही कह रहा है। रोहन क्या करें यार, सोच, पता नहीं यार। भाई मेरे पास इधर कॉन्डम है। ए अरे चुप, पागल है क्या? अरे कभी तो सीरियस हो जाएगा यार। रोहन इसे इसके कमरे में ले चले। आई डोंट थिंक सो। ग्रेट आइडिया, दे दे दे, दे ताली दे। क्या? इसको उठाकर ले चलते हैं ताकि रास्ते में मुझे तमन्ना जी मिले और फिर से इंटीग्रेशन शुरू कर दे। भाई तेरा मसला है, तू संभाल। अरे ये मेरे साथ ही क्यों होता है यार। अरे उठ, अरे उठ। पहली बार तो किसी लड़की के पास रोन सोने दे। तुम्हें उठ जा, दुकान जा रहा है।
नताशा, नताशा हमने बहुत कोशिश की, उठी नहीं। नताशा उठो। क्या हुआ? पता नहीं। नताशा कुछ नहीं हुआ। नताशा I'm happy. I'm happy. इसे यहीं सोने दो। ऐसी हालत में एनजीओ लेके जाना ठीक नहीं होगा। सुबह तमन्ना और सबको लेके मैं फील्ड ट्रिप पे जाऊंगी। मैं बोल दूंगी नताशा हर्ष के साथ विलेज गई है। वैसे भी काफी रात हो चुकी है, तुम लोग आराम करो। ओके जी, टेक केयर। थैंक यू। वेलकम। आइए। नींद नहीं आ रही है क्या? लोरी गाऊं या कहानी सुनाऊं? पता नहीं क्यों, लेकिन नताशा कुछ तो गड़बड़ है। जो तुम्हारी सिक्स सेंस है ना, वो मुझसे बहुत अच्छी है। मस्ट बी समथिंग। फिलहाल सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है। गुड मॉर्निंग। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आज से काफी। गुड मॉर्निंग। कहाँ है सब लोग? सब लोग दीपा के साथ गांव गए। क्यों पीती हो इतना? इतना मत पिया करो। ना ही तो तुम मेरे डैड हो, ना ही मेरे हस्बैंड। थैंक्स फॉर द फ्री एडवाइस, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। नो लेयर्स, नो पैसे। चलो अच्छा है, आज एक दूसरी नताशा देखने को मिली। बाय द वे, कल रात तुम बहुत रोए और दीपा को बताना पड़ा। शिट। व्हाट शिट? दीपा या रोना? मुझे किसी के सामने रोना पसंद नहीं है। और हाँ, तुम सबसे ये भी कहोगे कि तुम हर्ष के साथ विलेज गई थी। ओके ओके। वैसे कल की रात और वो रात हमेशा हमारी सीक्रेट रहेगी। ओके एक्सक्यूज मी, अब कल रात कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में, प्लीज कुछ और मत समझो। इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो मिस्टर कुकरेजा? कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? देखी गांव कैसा था? गांव? कौन सा गांव? मैं तो यही थी। दीपा ने तो मुझे कहा कि तुम हर्ष के साथ गांव गई हो। ओ वो एक्चुअली डार्लिंग, दीपा ना बहुत ही स्वीट है, लेकिन झूठ नहीं बोल पाती। मैं यही थी। कल रात को मैंने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी ना, इसलिए जतिन के रूम में सो गई। नहीं नहीं अब बिबू, ऐसा कुछ नहीं है। कम ऑन जतिन, अपने होने वाली बीवी से झूठ नहीं बोला करते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रैंक काम किया तो सॉरी, और अगर तुम्हें लगता है दैट आई एम फीलिंग जे तो वेरी सॉरी। इट्स हाई टाइम यू शुड ग्रो अप टिंकी। बेबू क्यों क्यों यार? जस्ट चेकिंग कि रिलेशनशिप्स में सच कितना एक्सेप्टेबल है। जतिन तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू फॉर योर विशेस टू मी।
Welcome all to my own surprise birthday party. Happy birthday, Harsh. Thank you. आप लोग सरप्राइज होंगे कि मैंने अपने खुद की सरप्राइज पार्टी क्यों प्लान की है. मेरी जिंदगी में एक ही मकसद है, सारी डिसीजंस खुद लो और बाकी सबका दोस्त बन के रहो. ऐसा सोचो कि कल अगर तुम मर जाओ तो आज से लेके कल तक तुम क्या करना चाहोगे. पार्टी! मैं तो हर मिनट, हर सेकंड, हर पल एंजॉय करना चाहूंगी. बैग ऑन. बिल्कुल. एंड द मोमेंट इज नाउ. एंड दिस रोना. यस रोहन. आई एम सॉरी बट जतिन को थोड़ा स्पेस दो यार. अगर वो खुश है तो उसको गलत मत ठहराओ. लेकिन वो हमेशा मुझसे दूर रहकर ही क्यों खुश है? आई डोंट अंडरस्टैंड. पर अगर तुम उससे हर बात में नाराज रहोगी तो तुम्हारे साथ खुश कैसे रहेगा? अच्छा, इसमें भी मेरी ही गलती है. वो कुछ भी करता रहे और मैं नाराज ना हूँ. नहीं बट अच्छा, तुम्हें ट्रस्ट तो करना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है. रोहन, डोंट टीच मी अबाउट ट्रस्ट. डिंकी की तरह तुम भी मुझे लेक्चर दे रहे हो. लेक्चर नहीं. ठीक है, लेट हिम एंजॉय हिमसेल्फ. आई विल लीव. नहीं तमन्ना. ऐसा डांस सिर्फ टीवी पे ही देखा था. कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद ऐसा कर पाऊंगा. एक्चुअली यू नो, साल्सा इज द बेस्ट डांस. अपने बॉडी के थ्रू अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो. तुमने तमन्ना को देखा? वो मुझे क्यों, क्या हुआ? अपोलोजाइज करना है? क्यों, क्या गलत कर दिया? तुम उसे जानती नहीं हो, वो बहुत सेंसिटिव है. आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट हर. मिस्टर कुकरेजा, क्या तुम वाकई टामी से प्यार करते हो?
हाँ क्यों? प्यार करते हो या सिर्फ रुलाना नहीं चाहते? प्यार मतलब रुलाना नहीं चाहिए, राइट? फिर तुम जो कर रहे हो ना उसे प्यार नहीं ड्यूटी कहते हैं। और वैसे कुछ चीजें खुद के लिए भी करनी चाहिए, राइट? क्या कमाल की जोड़ी है ना, बिल्कुल हमारी तरह। काश आई गेट समवन लाइक हर्ष। यू विल? या मी टू। But they are really cool couple, yeah. 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 Just like me and Gugu, है ना? हाँ, तुम्हें तो हर्ष जैसा कोई मिल गया शायद से, लेकिन गुगु को दीपा कहाँ मिली? कौन गया है? भूख लगी है? भूख ही भूख लगी है। हाँ जी। Have a seat. ओके गाइस, तो कल हम कुछ गांव जाने वाले हैं कॉन्डम्स और पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आई एम सॉरी बट मैं कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तमन्ना, मेरे ख्याल से आप लोग हेल्थ प्रोजेक्ट करने आए हैं। ओके, आप पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, तो वो करना। एनीवन एल्स हैव एनी प्रॉब्लम्स? No, no, no. Good. Problem solved. Now let's go and eat. Roti ek hi chahiye. Tere liye chor chhodi hai. Jokes apart, Tammy, lekin aaj mujhe tumhara attitude pasand nahi aaya. Agar health assignment sirf academics ke liye karna tha, to tumne ye topic hi kyun liya? Sach bolna galat hai. Jo mujhe sahi laga, maine wahi kaha. मैं जो मानती हूँ वही करती हूँ, और मुझे ये सब नहीं करना। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, अपना बिजनेस है, वी विल सेटल डाउन एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। यही लाइफ है, राइट? ऐसा लग रहा है जैसे सितारे जमीन पर आ गए। वाह, सितारे तो सिर्फ आसमान में ही रहते हैं सर, ये तो इल्यूजन है। डू यू एग्री विद टैमी? ना, लेकिन अगर कोई इंसान किसी काम करने में कंफर्टेबल नहीं है तो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए, राइट? किसी ने टैमी के सिर पे बंदूक रखी थी क्या टॉपिक लेने के लिए, और उसके हर बात पे हाँ में हाँ मिलाना तुम्हें ठीक लगता है? अपना भी कोई स्टैंड या मकसद होना चाहिए, राइट? रियली? और तुम्हारा क्या मकसद है मदर टेरेसा? कोई तुम्हें प्लेन में मिलता है और तुम उसके साथ पार्टी में घुस जाती हो, कोई टूरिस्ट मिलता है तो तुम गाइड बन जाती हो, कोई विलेज लाइफ देखने को कहता है तो तुम उसे यहां ले आती हो, कभी वॉलंटियर बन जाती हो। तुम्हारा लाइफ में मकसद क्या है? हा? कोई मकसद है भी तुम्हारा? भाई साहब, इस रात की सुबह काफी सफेद है ना? टैमी, 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 तेरे फियांसे को एक हग कर लूं प्लीज, 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 प्लीज। कुकरेजा साहब, थैंक्स मुझे अपने आप से मिलाने के लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये लड़की नताशा। बट मैंने क्या किया है? जो भी किया है यार, इतनी सुंदर लड़की फ्री हग दे रही है, ले लो। करेक्ट। बबलू, आज तो बबलू हैप्पी है। हेलो, यस, हाँ ठीक है, उनको बिठाइए।
हम जल्दी पहुंच रहे हैं। ओके हर्ष, सिटी हॉस्पिटल में एक नया केस आया है, हमें जल्दी निकलना होगा। ओके गाइस, हमें सिटी हॉस्पिटल निकलना है, कौन कौन आ रहा है? आई विल कम। तो हम भी चलते हैं गजानन जी? हाँ जतिन, ऐसा करना तू गांव से फिर कार भी ले आना। हाँ ठीक है। आप जरा ओपीडी में चलिए। चलिए यार, कमाल है, अरे बड़े फिट होते थे। आप इनको जानते हैं? हाँ जी, बड़े अच्छे से मिलते रहते थे चलते चलते, बड़े हैप्पी किस्म के इंसान है वो, पहली बार दिख रहा हूँ मैं उनको ऐसा। डॉक्टर साहब, उन्हें हुआ क्या है? वो HIV पॉजिटिव है, वो जानते नहीं है इस बात को। आओ बैठो। अब शुरुआत से बताइए क्या हुआ। 15 साल हो गए जी मेरे को ट्रक चलाते चलाते, आज तक मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया जी। वो परसों अचानक वो चक्कर जा आया, वो एक्सीडेंट हो गया। वो कुछ भले लोग मेरे को उठा के छोटे अस्पताल लेके गए, वो वहां पे उन्होंने मेरी खून जांच भी की थी, वो मेरे को इधर भेज दिया जी। हर्षव दीपक है वो अंदर काउंसलिंग रूम में। अच्छा, तेरे को वो ट्रक वाले पाजी याद है? कौन से पाजी? भैया वो रम भक्त वाले। अच्छा अच्छा, वो उनको क्या हो गया? वो ही तो पेशेंट है, सब लोग कह रहे मेरी जिंदगी खत्म है। कुछ नहीं हुआ आपको, फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं कहता, तो डॉक्टर साहब ने जो भी दवाइयां दी है वो आप टाइम पे लीजिएगा, ठीक है? मतलब मैं जी सकता, मैं बच सकता? हाँ हाँ, सब कुछ कर सकते हो। चंगा जी, चंगा चंगा जी, पाजी सब ठीक हो जाएगा, बाबा जी ने सब ठीक कर देना है, ध्यान रखना अपना। आपने ऐसा क्या जादू किया जी काउंसिलिंग रूम में, बंदा एकदम रिलैक्स होकर चला गया। डरे हुए आदमी का डर कैसे निकालते हैं? उसके डर को ताजुब में बदल दो। उसको लगा वो मर रहा है, हमने कहा क्या हम मरे। हम सलोनी को बोर्डिंग स्कूल से लेके आते हैं और उसके बाद सीधा मेले पे मिलते हैं। ओके ओके, आई जस्ट ब्रिंग आउट द कार एंड यू कैन वेट अप फ्रंट। ओके, आधे HIV पॉजिटिव? नहीं नहीं, वो अभी बोल दिया होगा। हाँ यार, देखने में तो दोनों इतने फिट लगते हैं। जस्ट रिलैक्स गाइस, शायद से हो सकता है उसका दिल रखने के लिए बोल दिया हो। हाँ, ऐसे थोड़ी किसी को भी हो जाता है। चलो लेट हो रहा है। तुम्हारी मालकिन रोएगी तो। एक तो हेल्प करो, ऊपर से लोगों की भी सुनो। वाह, तुम कुछ बता रही थी ना गलती? रशन दीपा का हॉस्पिटल, उन्होंने कहा कि क्या हम मरे। व्हाट,
क्या सच में ये दोनों HIV पॉजिटिव हैं? शायद से हो सकता है ड्राइवर का दिल रखने के लिए कह दिया हो। जतिन और हैरी को भी यही लगा। What? जतिन को पता है और उसने इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। I don't know why is he behaving so strange. हम ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकते हैं गजली? Tammy, I think you're overreacting. Overreacting? I will ask them directly. अगर ये सब सच है तो मैं यहाँ नहीं रुकती। Please, Tammy. जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ नताशा, ऐसे बीमार लोगों के साथ वो भी एड्स पेशेंट, मैं नहीं रह सकती। तुम्हें रहना है तो रहो। तुम क्या ओरिएंटेशन के टाइम सो रही थी? HIV पेशेंट्स अनटचेबल नहीं होते। डिंकी शट अप, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। आई जस्ट वांट टू नो द ट्रूथ। तुम्हें ये जानना जरूरी क्यों है? ये उनकी पर्सनल लाइफ है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यू ऑल। हाउ कैन यू टेक दिस सो लाइटली? मुझे जानना है कि वो HIV पॉजिटिव हैं या नहीं। है तो क्या? I come from a very simple family. और मेरी शादी हुई दिल्ली के एक बड़े बिजनेस फैमिली में। I was very happy. लेकिन वो शादी नहीं था। मैं तो सिर्फ घर में एक बीवी दिखाने के लिए लाई गई थी। लेकिन मैं काफी नहीं थी उसके लिए। उसके साथ मेरा मैरिड लाइफ क्या? लीगल रेप ही था। अलोंग विद द रेप मेरे पूज्य पति जी ने मुझे HIV भी दे दिया। मुझे मालूम था कि मेरे घर वाले भी मुझे नहीं समझेंगे। मैं बहुत अकेली थी, बहुत डिप्रेस थी। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। Successful software engineer making loads of money, but I was always restless. Started doing drugs, or फिर पूरी संगत का असर कहिए या किस्मत का खेल। I was detected as HIV positive. Back home, रिश्ते भी सब छूट गए। उस पैसे और सक्सेस का क्या करता? I started donating money to the NGO जहां पे मैं काउंसलिंग के लिए जाता था, और उसी NGO में मुझे दीपा मिली। पर सलोनी कैसे? उसी NGO में एक न्यूबॉर्न लड़की मिली, जिसे एक कचरे के डब्बे में फेंका गया था। मैंने उसे अडॉप्ट करने का फैसला ले लिया। हाँ बेबी। What happened? उठ गए आप? बेटा, सबको बताओ कि आप कैसे स्पेशल चाइल्ड हो। मैं मम्मा की
स्पेशल चाइल्ड इसलिए हूँ क्योंकि सब बच्चे अपनी मम्मा की पेट से निकलते हैं, लेकिन सलोनी अपनी मम्मी पापा के दिल से निकली है। माय बेबी। अगर साथ खाने पीने, उठने बैठने, गले मिलने से कुछ फैलता है तो उसे प्यार कहते हैं, एड्स नहीं। ओके, मैं ही गवार हूं, बेवकूफ। मैं उन गांव वालों से भी वर्स हूं जो एड्स को फांसी का फंदा मानते हैं। आई एम लीविंग। तुम लोग आ रहे हो या नहीं? नहीं, मैं तो यही रहूंगी। जिनकी तुमसे और कोई उम्मीद थी भी नहीं। सिमरन, गजाला, सॉरी बट नो सॉरी। टैमी, यू शुड बी सॉरी फॉर बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। टैमी, काम डाउन, सुन तो रहो हम लोग सब क्या कह रहे हैं। ओप्स, प्लीज, मुझे किसी का लेक्चर नहीं सुनना है। मैं जा रही हूँ, चलो जतिन। तमन्ना, क्या कर रही हो? एक बार सोच लो। हाँ, तुम तो यही कहोगे, रहो तुम अपने दोस्तों के साथ। तमन्ना, हम सब लोग तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं यार, कभी तो अपना बचपना छोड़ो। तो तुम मुझे सिखाओगे? 5 मिनट इंतजार करूंगी बाहर। जतिन, जतिन तुम एक अच्छे इंसान हो, इतने अच्छे इंसान की तुमने मुझे भी झेल दिया। उस दिन तुमने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया था और आज उसी सोच की वजह से मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिला। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसी एनजीओ में काम करूंगी और अब तुम्हारी बारी है। एक बार अपने दिल की आवाज सुनो। सॉरी, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकती। नो हार्ड फीलिंग्स बट आई कैन नॉट। हम समझ सकते हैं तमन्ना, लेकिन हमें दुख ये हो रहा है कि हमारे इतने सालों के मेहनत के बाद भी हम तुम्हें समझा नहीं पाए।
messages after the beep. I'll call you back if I want to call you back. Thank you. Sorry guys, सबके लिए यार एक बार तो आकर मुझसे मिल लो यार. I miss you guys. भैया जी आपको नीचे बुला रहे हैं. तो एक वॉलंटियर ने क्या किया, उसने सर्जिकल ग्लव्स निकाले और पूछा कि बताओ ये क्या चीज है. तो एक बंदा आया बहुत शर्मिला टाइप से, तो आके कहा कि जी ये तो पांडवों का कॉर्नम है ना. चलिए बहुत हुआ पंडित जी, अब आप शादी की डेट निकालिए. ये तो सबसे जरूरी काम है. रुकिए पंडित जी. ओ हाय मैडम, एनजीओ के काम से आई है. एज यूजुअल नखरे कर रही थी, जबरदस्ती लाना पड़ा. मुझे कुछ कहना है. मुझे लगता है कि अगर ये मैं आज नहीं कह पाया तो जिंदगी भर नहीं कह पाऊंगा. बात क्या है गुकु? मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूं. उस रात बैचलर्स पार्टी के बाद मैं और नताशा नशे में कुछ पता ही नहीं चला. वो ब्रा भी नताशा की थी. और मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं, ड्यूटी कर रहा हूं. ये तो क्या बोल रहा है बेटा, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा? जतिन, आर यू सीरियस? यस डैड, आई एम सीरियस. आई न्यू इट. बैचलर्स पार्टी में यू हैड सेक्स विद हर. तभी से तुम दोनों का अफेयर चल रहा है, राइट? व्हाट अ शेम जतिन, हाउ कुड यू. तमन्ना मेरी बात तो सुनो. जस्ट गो टू हेल बोथ ऑफ यू. डमी डमी वेट, डमी डमी वेट. मैं देख रही थी तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा था. वाओ नताशा, वेल डन, फंसा लिया ना मेरे मंगेतर को. ओ शट अप डैमियन, लिसन. यू शट अप ब्लडी. तुम अपने एनजीओ के काम से नहीं बल्कि जानबूझकर आई. ये जलती हो तुम मुझसे. यू वांट ब्लडी एवरीथिंग आई हैव, इवन जतिन. आर यू नट? पता नहीं और क्या क्या छुपाया हुआ है मुझसे. शादी मेरी होती और हनीमून तुम्हारा. ही इज अ फूल. फूल वो नहीं, फूल मैं बन गई हूँ. जतिन ने मिलकर बेवकूफ बनाया मुझे. एनीवेज, आई एम आउट ऑफ दिस. गुड लक विद योर सोशल वर्क मिस एनजीओ. जतिन, ये क्या है? व्हाट इज दिस? तुमने कहा था ना कि अपने दिल की सुननी चाहिए, तो सुननी शुरू कर दी. और मेरा दिल ये कहता है कि मैं तमन्ना से नहीं, तुमसे प्यार करता हूं. तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? व्हाट डू यू नो अबाउट मी? जितना भी जानता हूं काफी है. तुम्हें पता है कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूं? नाइस जोक. जोक? ये सच है. यू किडिंग राइट? हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, ब्लड की जरूरत थी तो कमीनों ने छोटे मोटे हॉस्पिटल में डाल दिया. चेक भी नहीं किया कि ब्लड कैसा था, बस दे दिया. और फिर एक साल बाद पता चला. क्या? समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं. मैं बस अपने आप से भागती रही, बस भागती रही. और फिर मुझे आश्रय मिला. दीपा और हर्ष को देखे खुश रहने की हिम्मत मिली. लड़की है? तुम्हें पता था तुम्हें एचआईवी पॉजिटिव हो? ऑफ कोर्स पता था. और उसके बावजूद तुमने मेरे साथ? तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो रही है?
अरे रोता रहेगा या कुछ बोलेगा भी? हेलो जितिन, क्या? हेलो, हाँ हाँ, क्या हुआ यार? चल चाबी छोड़, चल क्या हुआ जतिन? What is this life and death situation यार? How can she do this to me यार? टेंशन ना ले, एलिजा टेस्ट, लेट्स गो फॉर एलिजा टेस्ट। हर्ष को फोन कर। राइट, बाबा जी ने सब ठीक कर देना। रोहन मल्होत्रा, हरविंदर सिंह, जतिन कुकरेजा। जतिन, अब तो अपने दिल की आवाज सुन लो। डियरेस्ट जतिन, तुम ये जान लो कि उस रात एक साथ सोने के अलावा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। हम पहली बार तुम्हारी बैचलर्स पार्टी पे मिले और वो भी ऐसे, और फिर हम बार बार मिलते रहे। बट आई जस्ट कुडंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, और जब तक मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तब मुझे पता चला कि तुम ऑलरेडी मेरे कजिन से एंगेज्ड हो। मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा खुश रहो और अपने दिल की सुनो। प्यार गिव एंड टेक नहीं होता, प्यार प्यार होता है। टैमी को मैंने बता दिया है, उसे समझा देना, वो मान जाएगी। ऑल द बेस्ट जतिन, योर्स नताशा। चलो बच्चों, ब्रेकफास्ट टाइम, कम ऑन। मुझे भी भूख लगी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लेटर में कुछ भी लिख दो और मैं कुछ भी ना बोलूं। चलो बच्चों। अच्छा, तो तुम इसलिए आए हो? ठीक है, बोलो, पूरा गुस्सा निकाल दो। आई एम श्योर तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं इसी लायक हूँ। गुस्सा निकालने नहीं आया मैं यहाँ पे। I've come here for you. क्या करने आए हो जतिन? मुझे उड़ा ले जाओगे, मेरी हर प्रॉब्लम्स को दूर करोगे, मेरा हीरो बनोगे, और फिर हमारा हैप्पीली एवर आफ्टर होगा? सब हर्ष और दीपा नहीं हो सकते जतिन, वी हैव टू लिव इन द रियल वर्ल्ड। पॉजिटिव होकर भी कितनी नेगेटिव बातें करती हो तुम। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं इस नताशा नाम की लड़की से मिलना चाहता हूं। तुम्हें कहा था ना कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम ये सब क्यों कह रहे हो जतिन? इट्स नॉट इजी, सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। फ्यूचर, लाइफ, सेटलमेंट,
फॉर समवन लाइक मी. आई एम एचआईवी पॉजिटिव जतिन. तो क्या कैंसर या टीबी के साथ लोग एक नॉर्मल लाइफ नहीं जीते हैं क्या? और नताशा तुम ये सब मुझसे कह रही हो? कल ये एचआईवी पॉजिटिव बच्चे एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहेंगे तो तुम उन्हें रोकोगी क्या? तो तुम अपने आप को क्यों रोक रही हो? जिंदगी कैसे जीनी है ये हमारे हाथ में है. और हां, मैं ये तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा.